मैं आगे बढ़ रहा था, पगड़ी उठाओ और बांध के फिर मुझसे बात। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका माथुर और आप सभी देख रहे हैं द नगरी न्यूज। चित्तौड़गढ़ जिले की बेगू विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह विधूड़ी के किसान की पगड़ी को लात मारने के मामले में नया मोड़ आ गया है। किसान ने आरोप लगाया है कि वीडियो सामने आने के बाद उसे मुंह बंद रखने के लिए विधूड़ी की ओर से रुपए का ऑफर दिया गया। इधर विधायक ने भी सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिए अपना पक्ष रखा। ये वीडियो साल 2021 का बताया जा रहा है, लेकिन सामने मंगलवार को आया था। वीडियो में दिख रहा है कि विधूड़ी ने बेटे की नौकरी की गुहार लेकर आए किसान की पगड़ी को लात मारकर उछाल दिया। वीडियो सामने आते ही नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर सहित कई नेताओं ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। मामले में विधायक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो जारी कर अपना पक्ष रखा। विधायक ने कहा कि ये फेक एडिट किया गया वीडियो है, इसे सोची समझी रणनीति के तहत सोशल मीडिया पर डाला गया है। मैं होटल से चाय पीकर निकला तब पहले से प्लानिंग के तहत खड़ा ये व्यक्ति पास आकर एकाएक पैरों पर पगड़ी रख देता है। मैं डांट रहा हूँ कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। इस व्यक्ति का बेटा नाता प्रथा में लड़की को भगा कर ले आया, ऐसे में गैरकानूनी होने के कारण मैंने उसकी मदद करने से साफ मना कर दिया था। पुलिस और कानून अपना काम कर रहे हैं। 2 साल पहले का ये वीडियो अब वायरल क्यों किया गया है? क्योंकि एक राजनीतिक स्टंट है और उसे उकसाया भी गया है। ये पहले सामने क्यों नहीं आया? मैं खुद अब मानहानि का मुकदमा करूंगा। इस मामले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी निंदा की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक की ओर से फरियादी की पगड़ी को ठोकर मारना गलत है, यही कांग्रेस की सही चाल चरित्र और चेहरा है। कांग्रेस एक तरफ तो जान सम्मान जय राजस्थान का नारा देती है, वहीं दूसरी ओर उन्हीं के विधायक पगड़ी को लात मारकर एक किसान का अपमान करती है। जनप्रतिनिधि द्वारा पगड़ी को लात मारना निंदनीय है। 2021 का वीडियो डाला, ये सब एडिक्टेड है, फेक है। ऐसा ना मैंने किसी को साथ दुर्व्यवहार किया है, ना किसी को अपमानित किया है, ये सब एडिक्टेड करके डाला है। ये व्यक्ति मुझसे मिलने आया था तो मुझे कहने लगा कि अचानक इसने अपनी पगड़ी जमीन पर रख दी। मैं आगे बढ़ रहा था, मैंने कहा पगड़ी उठाओ और बांध के फिर मुझसे बात करो। तो बांध के बाहर मुझसे जब गेट के बाहर बात की तो इसने मुझे कहा कि मेरा बेटा किसी की बेटी को नाता ले आया, नाते के मैंने 7 लाख रुपए दिए और लड़की भी वापस चली गई। मैंने कहा बाल विवाद नाता पड़ता कानूनी अपराध है, आप पुलिस में जाओ, मैं जो भी चीज़ें हैं सामाजिक स्तर पर ठीक रहूँ। तो इसने कहा कि नहीं, मैं पुलिस में आप फ़ोन कर दो। मैंने कहा मैं पुलिस में फ़ोन नहीं करता किसी के खिलाफ भी, अब जाओ और कानूनी कार्रवाई करनी है तो सामाजिक स्तर पर भी करो और अपने आप इस चीज़ को सुलझाओ। इतना कह के मैं निकल गया। उसके बाद ये सब एडिक्टेड करके 2 साल पुराना वीडियो को मेरी छवि खराब करने के डाल रहे हैं, क्योंकि मैं चुनाव जीत रहा हूँ और कांग्रेस पार्टी भी सरकार बना रही है। विरोधियों को ये चुनाव के दिन ये मौके पर नकली वीडियो डालने की एडिक्टेड वीडियो डालने का चलन होता है। सोशल मीडिया पर तरह तरह के वीडियो हर किसी के खिलाफ आते रहते हैं। मैं इस वीडियो के खिलाफ माननीय का मुकदमा दर्ज करूंगा। किसने भी डाला है और मेरी छवि खराब करने की कोशिश की है, मैं फिर जनता से अपील करता हूँ ऐसे झूठे और फेक वीडियो पर विश्वास नहीं करें। और राजनीति में ये आए दिन चुनाव के टाइम ये सब चलता रहेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार।